व्हाट्सअप गाइस, सचिन चौहान यार, और आज मैं आप लोगों के लिए एलसेट ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। एलसेट जिमनास्टिक्स का फंडामेंटल मूवमेंट है। ये आइसोमेट्रिक होल्ड होता है, यानी कि यहाँ पे आप मूव ज़्यादा नहीं करते, स्टैटिक पोजीशन है जो कि आपके हिप फ्लेक्सर, कोर, शोल्डर, ट्राइसेप, रिस्ट, बेसिकली एंटायर बॉडी को ट्रेन करता है। और ये काफ़ी सारी एक्सरसाइज में हेल्प करता है, जैसे फ्रंट लीवर हो गया, हैंड स्टैंड हो गया, तो उसकी बात अभी ज़्यादा नहीं करते हैं। सो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि एलसेट को एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, उसके लिए स्कैपुलर पोजीशन किस तरीके की रहनी चाहिए, फिर डिफरेंट प्रोग्रेशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और लास्ट में मैं आपको एक सैम्पल रूटीन दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एलसेट को अचीव करने के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ट्यूटोरियल को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैपुला पोजीशन की। तो स्कैपुला पोजीशन किस तरीके से रहेगी, इसमें स्कैपुला हमारी डिप्रेस रहेगी। डिप्रेस यानी कानों से दूर, ये एलिवेशन होता है डिप्रेस। और या तो न्यूट्रल रखेंगे आप, न्यूट्रल मतलब जैसे नॉर्मल मैं दिख रहा हूँ, या फिर आप थोड़ा रिट्रैक्ट करेंगे। रिट्रैक्ट मतलब चेस्ट को ओपन कर देना इस तरीके से। अब काफ़ी सारे लोग प्रोट्रैक्टेड पोजीशन में रहते हैं। सो गाइस, प्रोट्रैक्ट नहीं करना है हमको। मैं प्रोट्रैक्ट का रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं करना है, बट अभी के लिए ये याद रखना है स्कैपुला या तो आपका न्यूट्रल रहेगा या फिर रिट्रैक्ट, और डिप्रेस तो रखना ही है। सो ये इस तरीके का लगेगा अगर आप टक एलसेट परफॉर्म करेंगे। सो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से लगना चाहिए। ये आपके हिप हाथों के लाइन में रहेंगे और ये लेग लिफ्ट, इस तरीके का आपका होल्ड हो। ये वाला होल्ड नहीं होगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे टक एलसेट को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये नहीं करना है। ये टक प्लैंच बन जाता है ये, जो कि एक डिफरेंट मूव है टोटल। हम इस तरीके से करेंगे, हिप को आगे पुश करने की कोशिश करेंगे। सो ये है आपकी स्कैप पोजीशन, डिप्रेस्ड एंड रिट्रैक्टेड या फिर न्यूट्रल। दो तरह से एलसेट को परफॉर्म कर सकते हैं। एक है जिमनास्टिक स्टाइल, जहाँ पे आपका हिप्स आपके हाथों के लाइन में होता है, यहाँ पे हम शोल्डर एक्सटेंशन पे फोकस करते हैं। और एक होता है योगिक स्टाइल, जहाँ आपकी हैमस्ट्रिंग मोबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है और आपके हिप्स काफ़ी पीछे रहते हैं, इसमें हम शोल्डर फ्लेक्शन को फोकस करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर एक्सटेंशन वाला, यानी कि जिमनास्टिक स्टाइल वाला एलसेट सिखाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही आप आगे के फॉर्म, जो वी सेट माना, वो सब सीख पाएंगे। और अगर आपको वो वाला एलसेट आ गया तो सेकेंड टाइप का योगिक एलसेट ईजिली आ जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं प्रोग्रेशन। स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे टक तो यूजुअली लोगों का हिप पीछे चला जाता है। सो मैं टक का प्रेप करवाऊंगा, क्योंकि एक बार आपका टक प्रिपरेशन हो गया, यानी कि आपके शोल्डर एक्सटेंशन में स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर टाइम की बात है कि जब आपका हाथ स्ट्रेट हो जाएगा। सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने टो पे रहकर इस पोजीशन को मिमिक करेंगे, और पैर आपको आगे रखना है इस तरीके से, 90 डिग्री फॉर्म करना है। पैर इधर पीछे नहीं रखेंगे 90 डिग्री, और जितना लाइट रह सकते उतना लाइट रहना है। और भाई, शोल्डर डिप्रेस और न्यूट्रल या रिट्रैक्ट, ब्रीथ, रिलैक्स रहना है यहाँ पे। इसमें 5 से 10 सेकंड रुकेंगे, जब ये अच्छा हो जाएगा तब क्या करोगे, आप अपने टोज को पॉइंट करोगे इस तरीके से, जैसे आप पॉइंट देख सकते हैं, और फिर रखना है। अब पॉइंट करके रखने पे क्या होता है, अगर आप हाथ पे ज़्यादा वेट नहीं ले रहे हैं, जो कि आपको लेना है, तो आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, पंजों में, तो इसलिए पॉइंट करके रखेंगे। ये सेकेंड लेवल हो जाता है कि पॉइंटेड फीट में हमको रोकना है। इसके बाद थर्ड लेवल क्या होगा, लिफ्ट करके देखोगे आप, एक दो सेकंड के लिए, ओके, लाइक दिस होल्ड। हाँ, ये थर्ड लेवल है। फोर्थ लेवल काफ़ी अच्छा है, उसमें आप क्या करेंगे, अपने लेग को एक्सटेंड करेंगे, ब्रिंग इट बैक, एक्सटेंड, फिर पीछे लाना है। अब एक्सटेंड करते टाइम ये नीचे एक्सटेंड मत करना, स्ट्रेट जितना एक्सटेंड कर सकते हो करना, उससे आपके यहाँ पे क्रैम्प आएगा। इसके बाद अब क्या करोगे, जब ये एक्सटेंड होने लगेगा आपका, फिर हम हवा में आने की कोशिश करेंगे। तो ये स्विच स्विच स्विच, अगर आप देख सकते हैं, मैं हवा में एक्सचेंज कर रहा हूँ। जब ये प्रोग्रेशन आपका 10 बार हो जाएगा, उसके बाद आप टक एलसेट के लिए रेडी हैं। तब आपको क्या करना है, पॉइंटेड फीट के साथ इस तरीके से पोजिशन लेनी है, एंड जस्ट लिफ्ट होल्ड। यहाँ पे आपको हर प्रोग्रेशन 5 to 10 seconds के लिए करना है। ये एक बार हो गया, उसके बाद सेम इजी प्रोग्रेशंस है। अब मैं ज़्यादा उन प्रोग्रेशन में जाऊँगा नहीं, एक बार दिखा देता हूँ क्विकली। तो जब आप पैरलेट पे सीख जाएंगे, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एलिवेटेड पैरलेट या फिर एलिवेटेड सरफेस पे,
उसके बाद अल्टीमेटली हमको फ्लोर पे करना है, तो फिर आपका एम होना चाहिए कि आप फ्लोर पे 10 सेकंड कर पाएँ। फ्लोर पे काफ़ी चैलेंजिंग होगा बिकॉज आपके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है। फ्लोर पे कर लिया दैट मीन्स आपने रियली मास्टर कर लिया है। एंड 10 सेकंड्स एक एम लेके चलते हैं, उसके बाद आप इंक्रीज तो 1 मिनट तक भी कर सकते हो। सो इस तरीके का लगेगा फ्लोर पे। ये रहा फ्लोर का एलसेट। तो गाइस अब एसेसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं जो इस चीज़ में आपको हेल्प करने वाली है एलसेट में। सबसे पहला है रिवर्स प्लैंक। तो रिवर्स प्लैंक इस तरीके से लगता है, इसमें आप फिंगर्स साइडवेज कर सकते हो या फिर पीछे रख सकते हो। सो मैं पीछे रख के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपके फीट रहेंगे और आपको ये पोजिशन में होल्ड करना है। इसमें हम 1 मिनट तक रुकने का ट्राई करेंगे। सो ये एक एक्सरसाइज होगी, ये आपके शोल्डर एक्सटेंशन को स्ट्रेंथन करेगी। और दूसरा है हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसके लिए आप नॉर्मल पश्चिमोत्थानासन में चले जाएंगे। एलसिट के लिए आपको एकदम डीप फ्लेक्सिबिलिटी हो ज़रूरी नहीं है। अगर आप इतना कंफर्टेबली कर सकते हैं, ज़्यादा बैक ऐसे राउंड ना करके, दैट मीन्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। तो चेस्ट अप, इंटीरियर टिल्ट बनाना है। स्ट्रेट अगर आप बैठ सकते हैं दैट मीन्स ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एलसिट के लिए। ये इसमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आती है लेग लिफ्ट, ये आपके हिप फ्लेक्सर को ट्रेन करेगी जो कि काफ़ी ज़रूरी है एलसिट के लिए। सो इस तरीके का होगा। आप कहीं पे भी हाथ रख सकते हैं, जितना आगे हाथ जाएगा उतना डिफिकल्ट है। सो मैं नी के साइड में रख रहा हूँ। फिंगर पे भी रह सकते हैं, इस पे भी रह सकते हैं। इस पे डिफ़िकल्ट होगा, फिंगर पे थोड़ा ज़्यादा एरिया मिलता है। लेग्स टाइट, हील को लिफ्ट करना अपने 10 बार। सो ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज हैं। सो हमने एलसेट के सारे प्रोग्रेशन देख लिए, ऑक्सिलरी एक्सरसाइज देख ली। अब मैं दिखाता हूँ रूटीन कैसा लगेगा। ये जो फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनके स्क्रीनशॉट लो। पहला जो प्रोग्रेशन की फोटो है वो टक एलसेट होल्ड तक आपको लेके जाएगी, और दूसरे प्रोग्रेशन की फोटो जो आप देख रहे हैं ये आपको एलसेट होल्ड की है। इसके बाद अभी मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो आपके साथ एक सैम्पल रूटीन है। इस सैम्पल रूटीन को देख के आप कोई सा भी रूटीन अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको वर्कआउट से आपको पहले करना है एलसेट को, ये 15 से 20 मिनट लेगा, और इसको आपको 3 से 5 बार करना है 1 हफ्ते में। सो गाइस ये था मेरा एलसेट ट्यूटोरियल। ये जो रूटीन मैंने आपको दिया है, अगर इसे आपको फॉलो करेंगे तो आपको 4 से 8 हफ्तों में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप काफ़ी क्लोज हैं एलसेट के तो शायद एलसेट आ भी जाए। अगर आपका एलसेट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताओ, या फिर इंस्टाग्राम पे आकर मेरे साथ वीडियो शेयर करो या फोटो शेयर करो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे आप आके मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप वो भी पूछ सकते हैं। न्यू हो मेरे चैनल पे देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो गाइस इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू देखने के लिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।